देखो ये एडवांस का क्वेश्चन है 1984 का। क्वेश्चन कहता है ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो एंड सी ग्रेटर देन जीरो, देन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन। सीधा सीधा क्वेश्चन देखते हैं के साथ आ रहा है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला वाले में लगाओ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी का क्यूब रूट। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी डिवाइडेड बाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन ए टाइम्स वन अपॉन बी टाइम्स वन अपॉन सी पावर वन बाई थ्री। ठीक है, ये सेकेंड आया। देखो सब पॉजिटिव है, गिवन कंडीशन है, तो पहला बात एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा सकते थे, ये कंडीशन दे दिया। साथ में पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई कर दे एलएचएस एलएचएस को और आरएचएस आरएचएस को, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी अपॉन नाइन, क्योंकि थ्री इंटू थ्री मल्टीप्लाई होगा तो नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी पावर वन बाई थ्री टाइम्स ए बी सी पावर वन बाई थ्री। ये सबको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि न्यूमिनेटर सेम है, ए बी सी वन बाई, ये काट दो। ठीक है, तो फाइनली क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नाइन को ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव है नंबर है, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करेगा, तो आ गया हमारे पास रिजल्ट, यही प्रूफ करने को कह रहा था। ठीक है, बेसिकली इससे आपको यह समझना चाहिए कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है।